यह 11वीं सदी की बात है जब रंगनाथा स्वामी टेम्पल के पुजारियों ने वहां के होने वाले महंत के तीर्थम यानी कि पवित्र जल में जहर मिला दिया था ताकि वो वहां के महंत ना बन सकें। कहा जाता है कि वह जल पीने के बाद मरने के बजाय वह व्यक्ति खुशी से नाचने लगता है जिससे वहां के पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सब उनके चरणों में गिर जाते हैं। ऐसे ही कई चुनौतियों से लड़कर देश में एक बार फिर से भक्ति मूवमेंट को उजागर करने वाले व्यक्ति थे श्री रामानुजाचार्य जी। इनको यतिराज यानी कि सन्यासियों का राजा माना जाता है और साथ ही साथ में भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कई कवि और कवित्रियों का प्रेरक भी माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कई शास्त्रों की रचना की जिनमें से 9 बहुमूल्य हैं और उनको नवरत्न कहा जाता है। पूरे भारत में भ्रमण कर यह जगह जगह समानता और सामाजिक न्याय का उपदेश दिया करते थे और वासुदेव कुटुंबकम यानी कि सारा संसार एक परिवार है के नारे के साथ जिए। इसी वजह से उनको समानता का प्रतीक माना जाता है और हाल ही में 65.8 मीटर का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में उनको समर्पित किया गया।